भी सब रिजेक्ट हो गया। ऐसे मैंने दो से तीन स्टूडेंट देखे यहाँ पे एंड दे हैड टू गो बैक। सो गाइस आप जब भी आओ, जो वीज़ा फी है वो नॉन रिफंडेबल होती है इन एनी, अगर आप एक दिन भी लेट हो गए हो तो उसमें कॉम्प्लिकेशन आ सकती हैं। स्पेशली चीज़ है जो लोगों को कन्फ्यूज़ कर देती है, बहुत बढ़िया है पैसा कमाने और अपना वर्क एक्सपीरियंस लेने के लिए। हाई गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल, माई नेम इज़ मोहित एंड आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड पॉपुलर टॉपिक की, जो है PSW, जिसे हम पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट भी कहते हैं। बहुत सारे लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे पूछा, यूट्यूब पे पूछा कि आप क्या कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो या PSW पे हो या नहीं हो, एंड अबाउट कैसे मिलता है, क्या है। सो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैंने PSW कैसे लिया, क्या प्रोसेस होता है, कितने पैसे लगते हैं, उसके क्या बेनिफिट्स हैं एंड क्या वो लेना रियली वर्थ इट है, क्या आप वो लेके अपनी लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकते हो जो भी आपका आगे आने वाला करियर है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। थैंकफुली आज डे बहुत सनी है एंड बहुत ही अच्छा वेदर है, क्लियर है। ये मेरे पीछे जो है वो डी मॉन्टफोर्ट यूनिवर्सिटी है लेस्टर में, काफ़ी अच्छा कैंपस है। सो या कमिंग ऑन टू द टॉपिक, PSW मैंने कैसे लिया। तो गाइस मैं यहाँ पे 2020 में आया था सेप्टेम्बर इनटेक, और मैंने एक साल की मास्टर्स करी, सक्सेसफुल कंप्लीट करी, डिस्टिंक्शन अचीव करी एंड देन 4 महीने वेट किया एंड देन 4th मंथ में मैंने PSW अप्लाई किया। ये कोई ड्यूरेशन नहीं होती कंपलसरी कि आप PSW अप्लाई कब कर सकते हो। सो उसका एक ही रिक्वायरमेंट है कि जैसे ही आपका मास्टर्स सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता है आप अप्लाई कर सकते हो। सो जो लोग सितंबर में आते हैं एक साल की मास्टर्स के लिए, उनका रिजल्ट उनकी मास्टर्स की नेक्स्ट ईयर ऑलमोस्ट अक्टूबर नवंबर में आ जाता है। मेरा भी अक्टूबर एंड में आ गया था बट स्टिल मैंने वेट किया क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी जो मेरा वीज़ा था वो जैन तक के लिए था। सो मैंने अपना पूरा जो स्टडी वीज़ा था उसको कंज्यूम करा एंड ख़त्म होने के लाइक 20-25 दिन पहले अप्लाई कर दिया। हालांकि रिक्वायरमेंट जो है PSW अप्लाई करने की वो आप तब भी कर सकते हो जो आप लास्ट दिन पे हो अपने वीज़े के, तो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। जब तक आपके PSW का डिसीज़न नहीं आता तो आप उस पीरियड में रहने के लिए अलाउड होते हो UK में। सो ये सोलली आपकी चॉइस है आपको PSW कब अप्लाई करना है, आपको अपने लास्ट डे ऑफ द स्टडी वीज़ा पे अप्लाई करना है आप वो भी कर सकते हो। तो गाइस कमिंग ऑन टू द रिक्वायरमेंट्स, PSW जो 2 साल का है फॉर मास्टर्स एंड 3 साल का है फॉर PhDs, उसकी रिक्वायरमेंट सबसे पहली सबसे कोर बेसिक रिक्वायरमेंट है कि आपका जो कोर्स स्टडी है जो आपने करनी है यहाँ पे UK में वो सक्सेसफुली कम्प्लीट हो। एंड सक्सेसफुली कम्प्लीशन से मेरा मतलब है कि आप जो डिग्री करने आए हो वो आपको डिग्री अवार्ड हो, यू हैव पास्ड ऑल द मॉड्यूल सक्सेसफुली विद इन दैट पीरियड। अगर आप एक साल की मास्टर्स करने आए हो तो आपने एक साल में सारे मॉड्यूल्स इंक्लूडिंग डिसर्टेशन पास कर लिए। कुछ लोग होते हैं कि फर्स्ट सेम में किसी मॉड्यूल में रीटेक आ गया या कुछ हो गया तो वो आपने सेकेंड सेम में दोबारा दे दिया, क्लियर हो गया, तो आपकी विद इन दैट 1 ईयर सारे चीज़ सक्सेसफुली कम्प्लीटेड है तो आपको वो सक्सेसफुली अवॉर्डेड हो जाती है मास्टर्स की डिग्री। तो आपने जैसे ही सक्सेसफुली कंप्लीट कर ली सो आप एलिजिबल हो। अभी ये है लिस्टेड रिक्वायरमेंट, इसके साथ ऑब्वियसली एक केस ये ज़रूर आता है कि आपने यहाँ पे कुछ गड़बड़ी नहीं की, आपने यहाँ पे लीगली जो रिक्वायरमेंट्स आपकी स्टडी वीज़ा की थी उनको फॉलो किया है, तो ये सब चीज़ें बेसिक है। तो आप यहाँ आके वो चीज़ करो, 20 आवर लिमिट में रहो जस्ट फॉर अ स्मूदर प्रोसेस, आपका फटाफट लग के आ जाएगा PSW एंड 2 साल में फिर उसके लिए बहुत चीज़ें हैं आगे करने के लिए। तो रिक्वायरमेंट जो सक्सेसफुली मास्टर्स की है उसके बाद क्या है, क्या चाहिए आपको। तो भाई उसके साथ आपको अप्रोक्सीमेटली 19.5 लाख अप्रॉक्स 2 लाख मान लो चाहिए, जो कि यहाँ पे £2,000 है। उसमें आपकी वीज़ा फ़ी है अराउंड 650 एंड समथिंग अप्रॉक्स 1300 के अराउंड आपका हेल्थ सरचार्ज है 2 साल का। सो इन्होंने 1 साल का सरचार्ज बढ़ा दिया है लास्ट कपल ऑफ ईयर्स में, सो वो 2 साल का मिला के आपका समथिंग 1300 हो जाता है एंड साथ में वीज़ा फ़ी, सो अप्रॉक्स £2,000 आपकी एक बंदे की PSW अप्लाई करने की फ़ी है।
अगर आपका PHW रिजेक्ट होता है तो आपको वो हेल्थ वाला 1300 अप्रॉक्स वापस आ सकता है। आपका सक्सेसफुल होता है तो यू आर गुड टू गो। जो वीज़ा फी है वो नॉन रिफंडेबल होती है इन एनी केस। तो गाइस, एक चीज़ हो गई सक्सेसफुल मास्टर्स, दूसरी हो गई कि आपको पैसा चाहिए जो अप्लाई करने के लिए चाहिए, इसके साथ तीसरी चीज़ है आपका BRP वैलिड होना चाहिए। सो इवन इफ यू आर अप्लाइंग ऑन द लास्ट डे ऑफ योर कोर्स स्टडी वीज़ा, इट योर BRP इज़ वैलिड। अगर आप एक दिन भी लेट हो गए हो तो उसमें कॉम्प्लिकेशन आ सकती हैं। इट्स नॉट 100% कि वो नहीं अप्लाई हो सकता, उसमें कॉम्प्लिकेशन आ सकती हैं कि आपको बायोमेट्रिक के लिए भी जाना पड़ सकता है, मना भी कर सकते हैं, फ़ाइन भी लग सकता है, कुछ भी हो सकता है। सो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आपको जो स्टडी वीज़ा पे एक BRP पे डेट होती है, आप उस डेट के अंदर अंदर या उस डेट को फाइल कर दो, ताकि आप जो वो ऑप्शन होता है वहाँ पे सिलेक्ट करने का कि आपका BRP एक्टिव है वो कर सको एंड स्मूथली अप्लाई कर सको। अप्लाई करने का रिक्वायरमेंट्स के बाद गाइस बात आती है कि अप्लाई करने का प्रोसेस क्या है। सो वो बहुत ही सिंपल है, जिन लोगों ने रिक्वायरमेंट मीट कर ली उनके लिए तो स्पेशली, आपको सिंपली गवर्नमेंट वेबसाइट पर जाके फॉर्म्स भरने हैं, कुछ अपनी डिटेल्स फाइल करनी है सच एज BRP नंबर, पासपोर्ट नंबर एंड स्टफ, एंड आपने स्टडी कब की, स्पेशली कैश नंबर अपना वो आपको फाइल करना है, उसी से वो होम ऑफिस आपको आपकी सक्सेसफुल मास्टर्स का ट्रैक करता है रिकॉर्ड। ये सब बेसिक डिटेल डाल के जो पूरा फॉर्म खुल जाता है, आपका बाय कब गए, वो सब बेसिक डिटेल्स हैं, उतना डिटेल में जाने के लिए ज़रूरत नहीं है, आप इजीली फिल कर सकते हो खुद। सो वो आपको किसी एजेंट की ज़रूरत नहीं है स्पेशली, इट्स ईजी, जस्ट थोड़ा टाइम दे करना। उसके बाद पेमेंट का ऑप्शन आता है, वो सब आप पेमेंट कर दोगे, इट्स फाइल्ड विद इन अ कपल ऑफ डेज में भी। आपको लिंक आता है कि आप एक ऐप डाउनलोड करो होम ऑफिस की, और उससे अपना जो डॉक्यूमेंट्स है वो वेरीफाई करो, उसमें आपको अपनी फ़ोटो खींचनी होती है, उसमें अपने आपको BRP स्कैन करना होता है, तो वो सब उनके रियल टाइम ऐप्स होती हैं जिससे आपको कहीं जाना नहीं पड़ता और वो चीज़ें ट्रैक हो जाती हैं, विच इज़ रियली फाइन। जैसे ही आप वो कर देते हो आपका PHW फाइल हो जाता है और आपको ईमेल आ जाता है कि अगर उनको कुछ चाहिए होगा तो वो आपको बता देंगे, नहीं चाहिए होगा तो यू आर गुड टू गो, जस्ट वेट फॉर योर रिजल्ट ऑफ द एप्लीकेशन। सो गाइस, रिक्वायरमेंट्स हो गई, प्रोसेस हो गया, अब आते हैं मिलने के बाद क्या उसकी क्या टेक्नैलिटीज़ हैं, क्या वो किस मामले में बेटर है चीज़ों से। साथ में ही जैसे मैंने बताया आज डे बड़ा सनी है, सो काफ़ी हलचल है यहाँ पे सिटी सेंटर में भी। ये मेरे पीछे सारा हाई स्ट्रीट है यहाँ की, सो या enjoying my day। Coming on to the topic की क्या वीज़ा का फ़ायदा है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें आपको फुल टाइम अलाउड होता है काम करना, सो आप कोई बाउंड नहीं हो किसी भी चीज़ से कि आपको 20 आवर करना है या 40 भी करना है, यू कैन इवन डू 60-70 आवर्स, जितनी आपकी डिमांड है उसमें अनलिमिटेड आवर्स है, एंड यू कैन वर्क विद एनी एम्प्लॉयर यू वॉन्ट, हाउ मैनी एम्प्लॉयर्स एवर यू वॉन्ट। सो अगर आपको 5 एम्प्लॉयर्स के साथ काम करना है, आप 5 के साथ करो, एक के साथ करना है, एक के साथ करो, जो कि Tier 2 वीज़ा पे स्पेशली नहीं होता है। कितने भी एम्प्लॉयर्स कर लो काम, कितने भी आवर्स काम कर लो, कोई रोक नहीं है, बस हाँ टैक्स पे करते रहोगे तो बढ़िया है सब चीज़ें। 2 सालों में आपने कितना भी आवर्स काम किया आपके ऊपर है हार्डवर्क कितना करते हो। उसके साथ एक स्पेशल बात इसकी ये भी है कि इस पर आप सेल्फ एम्प्लॉयड भी हो सकते हो, तो आप अपना खुद का बिजनेस भी कर सकते हो, जो कि आप स्टूडेंट वीज़ा Tier 2 वगैरह पे नहीं कर सकते हो। सो दिस इज़ रियली नाइस पॉइंट, अगर आप यहाँ पे आ रहे हो खुद का कुछ स्टार्टअप करना चाहते हो, कुछ बिजनेस करना चाहते हो, सेल्फ एम्प्लॉयड होना चाहते हो, वो आप PHW पे इजीली हो सकते हो, आप अलाउड होते हो। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान रखनी है गाइस कि इस PHW का जो पीरियड आपका 2 साल का है, 3 साल का है, जो भी आपने स्पेंड करते हो यहाँ पे, ये आपकी PR के टूवर्ड्स काउंट नहीं होता है। सो ये चीज़ ध्यान में रखना।
ये एक स्पेशली चीज़ है जो लोगों को कंफ्यूज कर देती है। सो ये जो पीरियड है ये बहुत बढ़िया है पैसा कमाने और अपना वर्क एक्सपीरियंस लेने के लिए, ट्रीट इट लाइक दैट। और इस वर्क एक्सपीरियंस के अंदर, इस पीरियड के अंदर बहुत अच्छा मौका है, अपॉर्चुनिटी है अपना फील्ड का एम्प्लॉयर ढूंढना, कहीं अच्छी जॉब ढूंढ के अगर आपने उसके साथ काम करना स्टार्ट कर दिया तो आप अपने स्किल्स के बेस पे उस एम्प्लॉयर को मना भी सकते हो कि आपको वो स्पॉन्सर कर दे अगर उसके पास लाइसेंस है तो। सो फ्रॉम माई परस्पेक्टिव PSW इज़ वेरी नाइस वे एंड अपॉर्चुनिटी टू गेट फर्दर वर्क एक्सपीरियंस। ऑब्वियसली अगर आपको यहाँ पे PR नहीं भी लेनी है या नहीं भी ले सकते हो तो पूरे वर्ल्ड में UK का वर्क एक्सपीरियंस रेलेवेंट होता है, बहुत अच्छा माना जाता है एंड यू कैन क्लेम अ हायर सैलरी इन अदर कंट्रीज एज वेल आफ्टर वर्किंग इन UK कॉर्पोरेट्स। सो इट्स अ नाइस अपॉर्चुनिटी। सो गाइस ये थी 2 साल के PSW या 3 साल के PSW की इम्पॉर्टेंट चीज़ें। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर ज़रूर मैं मेंशन करना चाहूँगा कि मैंने खुद लाइव केसेस देखे हैं स्टूडेंट्स के, जो लोग यहाँ पे आए थे और सक्सेसफुल मास्टर्स नहीं करी उन्होंने, पार्ट टाइम जॉब्स में लग गए, फोकस नहीं किया एंड उनको PG डिप्लोमा अवार्ड हुआ एंड उसकी वजह से उनका PSW रिजेक्ट हो गया। ऐसे मैंने 2 से 3 स्टूडेंट देखे हैं यहाँ पे एंड दे हैड टू गो बैक। तो गाइज आप जब भी आओ अपनी स्टडीज़ पे पूरा फोकस करना और पहली प्रायोरिटी स्टडी को क्लियर करना रखना, तभी आपके जो 2 साल नेक्स्ट के हैं वो सक्सेसफुल हैं, वो हैं, अदरवाइज़ यू कैन लूज़ देम एज़ वेल। सो उस चीज़ का आप बिल्कुल ध्यान रखना। आपको इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन हो, आपको पता है मुझे कहाँ रीच करना है, माई इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब पे कमेंट्स एंड आई एम गोना एंजॉय माई मील नाउ।